सलाम अलैकुम नाज़रीन, ये मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ मतवाले जियाले हैं जो बिलावल भुट्टो साहब के उसमें आए थे तकरीर सुनने के लिए। इनसे भी तासर भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो मेहरान का भुट्टो पंजाब का भुट्टो बोलान का भुट्टो बलोच का भुट्टो बलोच का भुट्टो उर्दू का भुट्टो कश्मीर में भुट्टो अरजब में भुट्टो जिंदा है भुट्टो जिंदा है भुट्टो नारे भुट्टो। एक 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 करके अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आशम। कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत मजा आ रहा है, वहाँ पे पुरानी यादें ताजा हो गई है। एमआरडी की सब सारे मिलके बताएं, अभी बेनजीर भुट्टो अगर आज होती तो क्या माहौल होता? यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। आज हम लोग 3 बजे आए, अगर बेनजीर होती तो हम लोग सुबह 7 बजे आ जाते। याद कर रहे हैं उन्हें? बहुत 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 शिद्दत से। कश्मीर में जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें बहुत अच्छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इवन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। उम्मीद है जनरल इलेक्शन में भी ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह। इस बार जो इलेक्शन होगा, मेरा ताल्लुक लयारी से है और लयारी पीपल्स पार्टी का घर है और था और रहेगा। आपको पता है इस बार इमरान खान से हमें बदला लेने का था, इस बार सही इलेक्शन हो रहे थे लेकिन जानबूझ के ये इलेक्शन पोस्टपोन कराए। मलिर में हमारा सीट थी, कराची में हमेशा पीपल्स पार्टी की 2 सीटें पक्की होती थी, एक लयारी एक मलिर और एक केमारी के आती थी, कभी नहीं आती भुट्टो साहब के टाइम से। लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया, ये इलेक्शन इलेक्शन नहीं थे सिलेक्शन थे। ये हमें पता ही नहीं था हमारी यूसी से कितने वोट निकले और कब निकले और किसके निकले। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि बिलावल भुट्टो क्या पीपल्स पार्टी के आम आदमी को भी लयारी से हरा सके। ये एक साजिश थी, जो साजिश बेनकाब होगी, जब इलेक्शन होगा तो ये साजिश बेनकाब होगी। लेकिन जानबूझ के किसी की उंगली का इंतजार करके ये ड्रामा रचा रहे हैं। हम हुकूमत सिंध और आर्मी चीफ से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इमरान खान को लगाम दो, इनको मैदान में लाओ, मुकाबला कराओ, जो जनरल मुकाबला होता है। बजाय उंगली का इशारा नहीं करो और ये नाच गाना बंद करो, ये बेहयाई बंद करो, क्योंकि हमारे इस्लामी मुल्क है। जब हम लोग नाच गाना करते थे एक इखलाक के दायरे में रह के, और आज आप देखो हर माँ बहन को पता नहीं क्या कहना चाहिए कर दिया है। ये हमारे इस्लामी मुल्क में इसमें ये नहीं होता है। शुक्रिया। अच्छा, मौलाना फजल रहमान ने कल की तकरीर में बहुत ज़्यादा वाहियात अल्फाज किए अपने मुखालफिन के लिए, आपको लगता है एज अ मुसलमान ऐसे लफ्ज वो इस्तेमाल करने चाहिए थे? नहीं, मौलाना साहब की एक अपनी इज्जत है, लेकिन उसके कमेंट्स खुद नहीं है। कोई भी हो या इमरान खान हो या बिलावल हो, एक इकला के दायरे में रह के बात करनी चाहिए और नापसंदी का अल्फाज इस्तेमाल ना करना चाहिए, क्योंकि ये उनको सेवा नहीं देता है। बाकी वो खुद तबसरा करेंगे। अच्छा, कितने परसेंट चांस हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन में अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी और बिलावल भुट्टो साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? इंशाल्लाह हम लोगों की कोशिश है, क्योंकि ये इलेक्शन होता है, अगर फिर भी और फ्री इलेक्शन हो गए, लोगों को हक दिया जाए तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी नसीब होगी। क्योंकि भुट्टो साहब के टाइम से लेकर आज दिन तक जो वोट मिल रहे वो भुट्टो साहब के टाइम से ही मिल रहे, और भुट्टो साहब ने वो काम किया। आज जो जनरल या फौजी है उनको जो 90,000 फौजी बातचीत से हम लोगों ने छुड़ा के आए, उसकी बदौलत उसकी नस्ल ये वोट दे रही है। वो बाकी लोग कहाँ से आए, किसको वोट दे रही है, खुदा जानता है। इंशाल्लाह 100% हम लोग जीत के बताएंगे, फिर इलेक्शन होगा। पाकिस्तान ये बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान को लगता है कि इस बुरान से वो निकाल सकते हैं, जितनी एबिलिटी है उनमें? बिलावल भुट्टो एक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा है, वो खानदानी सियासी शऊर रखते हैं। खाली बिलावल नहीं है, उसके साथ एक पूरी तंजीम है, पूरी टीम है। जो हम लोग कोई भी काम करते हैं उसके पहले फैसिलिटी बनाते हैं, उसके बाद हम लोग काम को आगे देते। जो भी आज तरक्की आता काम हो रहा पूरे पाकिस्तान में, ये भुट्टो साहब के टाइम के बने हुए हैं। उसके बाद बेनजीर भुट्टो ने ये अलम उठाया, उसके बाद इंशाल्लाह वजीर आजम बिलावल बनेगा, तो वही सिस्टम को चलाते रहेंगे और चलता रहेगा इंशाल्लाह, बहुत तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी ये अफवाहें चल रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस टाइम जनरल इलेक्शन हो जाने चाहिए, बेटर टाइम है पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन के लिए? इस मसले का सही का हल जो है जनरल इलेक्शन है, और न्यूट्रल इलेक्शन होने चाहिए। हर इंसान को अपना हक है, चाहे वो पीटीआई का हो या एमक्यूएम का, हर को
फ्री हैंड दिया जाए, जिसको जितना हक है वो अपना वोट डाले और इलेक्शन करा के इस बहरान से निकाल ले, ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह में गामजद हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन के लिए एक लफ्ज कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा मेहरबानी आप लोग हमारे सामने हमारे साथ आ जाए और आपको हमारी जमहूरियत की जद्दोजहद बताए। हम लोग जब जलसा करते थे तो हमें पुलिस पकड़ के लेके जाती, आर्मी पकड़ के ले जाए। आज तो आपको जलसा करने के लिए हम लोग खुला छूट देते, प्रोटोकॉल देते। आपने एमआरडी की तहरीक नहीं देखी होगी, आपने एआरडी की तहरीक नहीं देखी होगी, जो तहरीकों में हमारे लोगों को घरों से उठाया करते थे, फिर भी हम लोग मजमा जमा करते। आज आपको हम लोगों ने सिंध गवर्नमेंट ने छूट दिया हुआ है कि आप मुजाहरा करो लेकिन किसी को तकलीफ नहीं दो और हमारे साथ आओ, मुल्क को तरक्की की राह पे गामजद करो। शुक्रिया।